तो आज का टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या मेजर करता है? एक डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस कुछ इस तरीके से मेजर करता है। मान लो आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, राइट? आपके पास एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस आर है, और आर की वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बताई नहीं। इसमें करंट जा रहा है कितना वो भी मैंने आपको बताया नहीं। ना मैंने आपको आर बताया, ना मैंने आपको आई बताया, और मैं पूछ रहा हूं कि आप इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है। आपको वो कैसे? ना तो आर बता रहे हो ना आई बता रहे हो, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालूंगा, ओम लॉ कैसे लगाऊंगा? तो आप एक मशीन लेके आओ जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की दो वायर्स हैं, एक वायर आप यहां लगाओ, एक यहां लगाओ पैरेलल में, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल में ऊपर आ जाएगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर की मशीन से मेजर कर देंगे और वही पोटेंशियल डिफरेंस नीचे वायर का माना जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे वोल्टमीटर काम करता है। हम करेंगे वोल्टमीटर भी अगले चैप्टर में। तो वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, ये जितने भी मीटर्स हैं जो वोल्टेज मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ये हमेशा पैरेलल में लगे होते हैं ताकि वी की वैल्यू क्या रहे, सेम। यहां तक क्लियर है? तो पोटेंशियोमीटर क्या मेजर कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को मेजर करेगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मैंने इसमें बॉक्स में बना दिया पोटेंशियोमीटर, लेकिन एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर किससे बना होता है या क्या है पोटेंशियोमीटर के अंदर? ये है पोटेंशियोमीटर। तो जो मैंने अभी बॉक्स बनाया था ना, जो मैंने बॉक्स बनाया था वो ऐसे बनाया था, राइट? ये ऐसे पोटेंशियोमीटर बनाया था पीएम, लेकिन अंदर ये था। मैंने सिर्फ दो वायर्स दिखाई थी। मैंने दिखाया था कि अगर ये आ रहा है, अगर इसमें करंट जा रहा है, तो आप दो वायर्स पोटेंशियोमीटर यहां कनेक्ट कर दें, तो एक्चुअल में उसके अंदर ये पूरी मशीन कनेक्ट करें। तो पोटेंशियोमीटर किसका बना हुआ है? पोटेंशियोमीटर के अंदर अपनी एक बैटरी है जिसकी ईएमएफ है ई। इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगी हुई है जिसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, और इस चेंजिंग रेजिस्टेंस का नाम क्या है? रियोस्टैट। तो रियोस्टैट जो है वेरिएबल रेजिस्टर को बोलते हैं। ये लगा होता है, क्यों लगा होता है? इसलिए कि अगर आप पोटेंशियोमीटर में कम करंट पास करना चाहें तो रियोस्टैट की वैल्यू को बढ़ा दें, आर बढ़ा दें, करंट कम हो जाएगा, और अगर आप आर को कम कर दें तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। तो जिस वैल्यू को आप पास करना चाहते हैं करंट को, आप पास कर सकते हैं, आप सिर्फ रियोस्टैट की वैल्यू को चेंज कर दें। क्लियर है यहां तक? तो नॉर्मली ये तो प्रैक्टिकल्स की बात है, प्रैक्टिकल में चेंज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो थ्योरी है जो हम करते हैं उसमें रियोस्टैट कॉन्स्टेंट ही रखी जाती है। वैसे इट्स अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, पर हम न्यूमेरिकल में एक ही वैल्यू में गिवन होती है। उसके बाद ये जो कनेक्शन है वो कहाँ पर है? इस ये वायर के साथ कनेक्टेड है। इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की वायर। पोटेंशियोमीटर की वायर, इस वायर की लेंथ जरूरी नहीं है कि 1 मीटर होगी। ये कोई स्लाइड वायर ब्रिज नहीं है, ये मीटर ब्रिज नहीं है, इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। ये क्वेश्चन में गिवन होगी 150 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, उसकी मर्जी है जो वो देना चाहे। तो ये पोटेंशियोमीटर की वायर की लेंथ है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया? कैपिटल एल। ये जो वायर देख रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस है कितनी? स्मॉल आर। दिस इज नॉट इंटरनल रेजिस्टेंस, इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। क्लियर है? और साथ में क्या लगाओ? एक जॉकी जो मूवेबल है, जॉकी, और साथ में क्या लगाओगे? गैल्वेनोमीटर। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर क्या होगा? एक बैटरी होगी, एक रियोस्टैट होगा, एक वायर होगी, वायर की रेजिस्टेंस होगी आर, वायर की लेंथ क्या होगी? कैपिटल एल, एंड साथ में एक लगा होगा गैल्वेनोमीटर, और दो वायर्स लूज एंड्स हैं। तो जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, इन लूज वायर्स को वहां पर कनेक्ट कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्लियर है? कैसा दिखता है पोटेंशियोमीटर? क्लियर हो गया? पोटेंशियोमीटर काम कैसे करता है इसको एक बार देखते हैं। पोटेंशियोमीटर के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो मेन पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं इस एग्जांपल की जगह ये एग्जांपल ले रहा हूं। एक ही बात है क्या कि जैसे सपोज करो आपको क्या करना है, आपको मान लो, लेट अस सपोज, देखो, लेट अस सपोज ये एक रेजिस्टेंस गिवन है आपको, जैसे मैंने बताया ये रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट जा रहा है। इसको करंट कहां से मिला? कोई बैटरी कनेक्टेड होगी नीचे जिसको क्या दे रही है? करंट दे रही है। तो इसके अंदर करंट जा रहा है,
ऐसे घूम रहा है, पर ना मुझे करंट पता है, ना मुझे इसकी बैटरी की वैल्यू पता है, ना मुझे आर पता है, लेकिन मुझे क्या ढूंढना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ढूंढना है। तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पर, पोटेंशियोमीटर की वायर्स। अब अगर मैं पोटेंशियोमीटर की बात करता हूं तो पोटेंशियोमीटर कैसा दिखेगा, ये आपका पोटेंशियोमीटर है जिसमें क्या है, एक बैटरी, इस बैटरी के साथ क्या लगी हुई है, एक रियोस्टैट रेजिस्टेंस ये लो, और यहां पर क्या कनेक्टेड है, एक पोटेंशियोमीटर की वायर, राइट। तो ये क्या कनेक्टेड है, पोटेंशियोमीटर की वायर, क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक। और साथ में यहां पर एक लूज एंड मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा, और यहां पर एक चौकी जिसके साथ क्या कनेक्टेड है, एक गैल्वेनोमीटर, और मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा, राइट। क्लियर है डायग्राम यहां तक। इसके अंदर ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ क्या है, ई, और रियोस्टैट की रेजिस्टेंस क्या है, आर एच, इस वायर की स्मॉल आर, और ये लेंथ कितनी है, एल, ये केस है। तो मैंने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है। बेसिक रूल क्या है, जब यहां बैटरी है और ये बैटरी है, ये भी करंट भेज रही है, ये भी करंट भेज रही है, अब दोनों की बैटरी की ईएमएफ सेम तो है नहीं, ये अलग है वो अलग है, तो इसकी ईएमएफ कितनी है, ई, इसकी ईएमएफ क्या है, ई डैश। तो ये अपना ही करंट भेज रही है, ये अपना ही करंट भेज रही है, हर वायर में करंट ही करंट है। आप खुद सोचो, यहां से जो करंट आएगा वो डिवाइड होगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, यहां से जो करंट आएगा वो कुछ इसमें जाएगा और कुछ इसमें रह जाएगा, क्योंकि यहां का करंट इधर भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा और अंदर भी आ जाएगा, तो यानी कि करंट आपस में मिक्स होने स्टार्ट हो गए, राइट। हम क्या करते हैं, हम जॉकी को मूव करवाते हैं, जैसे स्लाइड वायर बीच में मूव करवाते हैं, हम इसमें जॉकी को मूव करवाते हैं, और जैसी जॉकी एक ऐसी पोजीशन पे आती है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, जीरो, हम इस जॉकी को रोक देते हैं और मेजर कर, यहां स्केल लगा होता है गैल्वेनो इसका पोटेंशियोमीटर का, उसमें लेंथ मेजर की जा सकती है। तो मान लो ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, ये जो बैलेंसिंग लेंथ है, इसकी वैल्यू सपोज कितनी आती है, स्मॉल एल, स्मॉल एल। तो हम मेजर कर लेते हैं कि जहां पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाती है, जीरो, वहां पर वो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ जाती है, स्मॉल एल। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। तो बैलेंसिंग लेंथ से क्या हुआ, अब करंट की क्या प्रॉब्लम है यार, करंट अगर मिक्स ही हो गए तो फिर मैं कैसे निकालूंगा सही पोटेंशियल डिफरेंस, इसका करंट तो यहां से ऊपर चला गया, गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो का मतलब है कि जितना पोटेंशियल यहां पे था V1, एग्जैक्टली उतना ही पोटेंशियल कहां डेवलप हो गया, यहां पे। वो क्यों, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, जीरो, गैल्वेनोमीटर वाली वायर में करंट कितना जा रहा है, जीरो। तो ये रास्ता आपने बंद कर दिया जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हुई, इसमें करंट जाना बंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है, यहां का और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, एग्जैक्टली सेम हो गया, तभी करंट जाना बंद हुआ। तो एक ऐसा पॉइंट मिल गया। अब सोचो हुआ क्या, करंट जो ऊपर से आता है उसको घूम के कहां जाने, यहां जाने। अब उसका रास्ता एक तो आपने बंद ही कर दिया, वो इस रूट से तो जा ही नहीं पाएगा ना, इसका मतलब चाहे वो यहां से एंटर कर गया मान लो, लेकिन वो यहां तो जा नहीं पाया क्योंकि यहां पर इसका रास्ता क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर रीडिंग क्या आ गई, जीरो। लेकिन बैटरी क्या कहती है कि मैंने तो आई करंट बाहर निकाला, तो अगर मैंने आई करंट बाहर निकाला तो घूम के मुझे वापस करंट कितना चाहिए, आई चाहिए, तो करंट अपना रास्ता तो ढूंढ ही लेगा। अगर आप ये वाला रास्ता बंद कर दोगे तो कोई बात नहीं, करंट के पास एक रास्ता है। क्या रास्ता है, ये करंट सीधा सीधा यहां से यहां से यहां पास कर जाएगा आई करंट, और यहीं से घूम के चला जाएगा, इस सर्किट में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि आपने रास्ता बंद कर दिया। अब इस करंट की बात करें जो नीचे घूम रहा था, जो नीचे का करंट है वो भी नीचे रह गया, वो क्यों, क्योंकि आपने आगे जाने का रास्ता क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जब जीरो हुई और बैलेंसिंग लेंथ आ गई, इसका मतलब कि यहां से यहां जो करंट आएगा वो नीचे नहीं जाएगा, तो यहां का करंट, इस बैटरी का करंट ऊपर सर्किट में घूमना स्टार्ट हो गया और इस बैटरी का करंट नीचे घूमना स्टार्ट हो गया, आपस में इनकी मिक्सिंग क्या हो गई, बंद हो गई। तो हम बोलते हैं कि ये ब्रिज तो नहीं बोलूंगा, जो पोटेंशियोमीटर है, ये पोटेंशियोमीटर में जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आ जाती है तो ये कौन सी लेंथ कहलाती है, बैलेंसिंग लेंथ। हमने इसको पोटेंशियोमीटर को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह नहीं है, रेशियो लेंगे पी बाई क्यू आर बाई एस, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये हम बोलते हैं पोटेंशियोमीटर की बैलेंसिंग लेंथ है जब करंट गैल्वेनोमीटर में क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। तो ये करंट ऊपर का ऊपर हो गया, नीचे का नीचे हो गया।
अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहां पर जो करंट था, कितना करंट था, आई विल बी इक्वल टू यहां पे ईएमएफ कितनी है ई और रेजिस्टेंस कितनी है आर एच प्लस इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये लो, ये क्या आ गया, इसका करंट आ गया। नीचे के करंट मुझे नहीं चाहिए, नीचे का करंट, ऊपर का करंट आ गया। मुझे क्यों नहीं चाहिए नीचे का करंट, मुझे इसलिए नहीं चाहिए नीचे का करंट क्योंकि मेरे को यहां पर इन दो पॉइंट्स पे क्या निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो अगर यहां पे करंट नहीं है और ये वाला करंट इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब अगर यहां का पोटेंशियल V2 है तो यहां का पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा V2, क्योंकि इस वायर में करंट आना भी बंद हो गया, उसका रास्ता तो ये हो गया, तो करंट ऊपर ही ऊपर यहां से निकल गया, यहां से निकलना उसे बंद कर दिया, तो ना इस वायर में करंट है ना इस वायर में करंट है। तो अगर दोनों में करंट ही नहीं है तो जो पोटेंशियल यहां पर है वो पोटेंशियल यहां पर है, जो पोटेंशियल यहां पर है वो पोटेंशियल यहां पर है। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V2 माइनस V1, तो इन दो पॉइंट्स में भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इस डायग्राम में यहां पे इस रेजिस्टर पे, तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूंगा इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस। तो नीचे के सर्किट से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ इन जो बैलेंसिंग लेंथ आई एल इसके अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं, वही मेरा आंसर माना जाएगा नीचे के पोटेंशियल के डिफरेंस का। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, देखो इसके अंदर मैंने ये किया, एक बार फिर देखो कि सपोज करो, लेट अस सपोज ये पहले क्या हो रहा था इसमें, पहले इसमें इसको मिटा देते हैं एक सेकेंड। देखो तो ये पोटेंशियोमीटर था, नीचे का डायग्राम अलग था, ऊपर का अलग था, इसमें करंट अलग था, इसमें करंट अलग था, पहले करंट हर ब्रांच में थे, मिक्स हो रहे थे। हमने एक ऐसी लेंथ निकाल ली जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई, जीरो आ गई। तो जीरो आने का मतलब है कि यहां और यहां का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। करंट आई को वापस कहां पहुंचना है, इस बैटरी पे पहुंचना है। ये वाला रूट तो आपने बंद किया हुआ है, तो मिक्स होके क्या करेगा, बाहर तो आई नहीं पाएगा, तो ये अपना रास्ता बाहर बाहर से ढूंढ लेता है। तो आई करंट, जो आई करंट है वो क्या करता है, वो ये रास्ता ढूंढ लेता है, आए 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 और आए, बाहर बाहर से घूम जाता है कुछ इस तरीके से। तो आई की वैल्यू क्या होगी, ई डिवाइडेड बाई आर ऑफ एच प्लस इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है आर, और इसका करंट नीचे ऐसे घूम जाता है, नहीं चाहिए मुझे वैसे करंट, आपस में मिक्स होने बंद हो गए। तो जब इसमें इसने अपना रास्ता ऊपर ढूंढ लिया, तो इस वायर का करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब कि अगर इस जंक्शन का पोटेंशियल V2 है तो ऑब्वियसली यहां का पोटेंशियल भी V2 है। तो अगर मैं ये पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इस आर के क्रॉस कितने, आप बोलेंगे V2 माइनस V1। तो इस दो पॉइंट जहां जॉकी रुकी हुई है और बैलेंसिंग लेंथ एल है, तो इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2 माइनस V1। तो इनस्टेड ऑफ फाइंडिंग पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम दिस सर्किट, इस सर्किट से निकालने के बिना के बजाय, हम पोटेंशियल डिफरेंस को कहाँ निकाल लेंगे, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस निकाल लेंगे V2 माइनस V1। बात एक ही है, और ऊपर से निकालना आसान है मेरे लिए। कैसे आसान है, तो जो भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, देखो यहां पर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो भी यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी, कहां से कहां तक, यहां से लेके बस यहां तक बस, ठीक, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस विल बी इक्वल टू करंट आए, ओम लॉ लगा रहा हूं मैं, ओम लॉ, कैसे, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज यहां का करंट आए इनटू सिर्फ इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस, और ये लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, तो आए इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ कितनी, स्मॉल एल। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस विल बी इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। अब आई की वैल्यू तो मैं निकाल ही चुका हूं, आई कितना निकाल चुका हूं, ई डिवाइडेड बाय आर एच प्लस कितना, स्मॉल आर, और इस वायर की रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये जो पूरी रेड कलर की पोटेंशियोमीटर वायर है, इसकी लेंथ कितनी है एल, तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर। अगर 1 है तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना है, आर बाय एल। अब मेरे को कितनी लेंथ की रेजिस्टेंस निकालनी है, स्मॉल एल, तो आंसर क्या आएगा, ये आ गया। तो ये रेजिस्टेंस आ गई किसकी, स्मॉल एल लेंथ की। तो इस रेजिस्टेंस को यहां पुट कर देंगे,
दैट इज आर बाय एल इनटू स्मॉल एल, ये मेरे पास क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे डेवलप हुआ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर डेवलप हुआ, और ऊपर मैंने कैसे निकाल लिया, ओम लॉ से निकाल लिया। ओम लॉ से कैसे निकाल लिया, यहां का करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। अब ये एक फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। जब आप एक पोटेंशियोमीटर लेके आएंगे, मान लो आपने नया पोटेंशियोमीटर लेके आए, उसमें क्या लगी होगी, बैटरी। वो बैटरी की ईएमएफ आपको ऑलरेडी पता होगी, वो तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। उसमें रियोस्टैट की रेजिस्टेंस आप फिक्स करेंगे, उसमें स्मॉल आर लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस आपको पोटेंशियोमीटर वायर की लिखी होगी मीटर के ऊपर, वो तो चेंज नहीं हो सकती। उसके अंदर स्मॉल आर चेंज नहीं हो सकती, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कांस्टेंट है, तो बचा क्या, सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ। तो कुछ नहीं करना, जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है पोटेंशियोमीटर में, उसको नीचे लगाओ, ऊपर बैलेंस करो, सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ निकाल लो। उस बैलेंसिंग लेंथ को यहां पुट कर दो, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो इसको एक्सप्लेन किया गया यहां पे आपकी शीट में। तो क्या, कैसे, मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि ये रहा आपका पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर में एग्जांपल लिया, ये आपका पोटेंशियोमीटर है, ये आपका नीचे का सर्किट है, आपने इसको बैलेंस किया, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आई, जीरो आई, बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, स्मॉल एल आई। फिर मैंने कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस नीचे होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर होगा, ऊपर कितना होगा, ऊपर होगा करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल, वही चीज जो मैंने बोर्ड पे की, सेम चीज है। तो फिर मैंने क्या किया, इसका जो करंट है वो क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर एच प्लस स्मॉल आर, तो मेरे पास करंट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल, आई हमने निकाल लिया, और रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल में करेक्शन है, कितनी है, स्मॉल आर बाय एल इनटू एल, यहां पर ना यहां कैपिटल एल करो, स्मॉल आर बाय एल डिवाइडेड बाय कैपिटल, या करेक्शन करो, यहां पर कैपिटल एल आएगा, तो वो जो वैल्यू है स्मॉल आर बाय कैपिटल इनटू स्मॉल एल, तो ये क्या आएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस, दैट इज आई इनटू स्मॉल आर बाय एल बाय कैपिटल एल। ठीक, ये क्या आया आपके पास, पोटेंशियल का डिफरेंस। और अगला स्टेप भी करेक्शन कर लेना, अगले स्टेप में करंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी, ई डिवाइडेड बाय आर एच प्लस आर इनटू रेजिस्टेंस, कितनी है, ये रेजिस्टेंस है, ये निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। तो अगले स्टेप में ये भी लिख लो, तो अगले स्टेप में भी आर एच प्लस आर की जगह क्या पुट करना है, कैपिटल एल ही पुट करना है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। ठीक है यहाँ तक, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर भी आपके असाइनमेंट में यहाँ पर भी कैपिटल एल ही आएगा, कैपिटल एल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया पोटेंशियल डिफरेंस का। तो मैंने क्या बताया, इसमें ये बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर है, प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप सिर्फ बैलेंसिंग लेंथ निकाल दें, पोटेंशियल डिफरेंस कैन ईजली बी कैलकुलेटेड, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और इसमें मैंने आपको क्या बताया, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला वो किसके प्रोपोर्शनल है, बैलेंसिंग लेंथ के। आप सोचो अगर आपकी बैलेंसिंग लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब याद रखना उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा है, क्योंकि आपके फॉर्मूले में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया दैट इज प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ आया। जितनी बड़ी बैलेंसिंग लेंथ होगी उतना ही बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर मान लो आपने नीचे पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट लिया तो आपकी बैलेंसिंग लेंथ मान लो 9 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन अगर आपने उसको 15 वोल्ट ले लिया तो फिर बैलेंसिंग लेंथ जो है 9 सेंटीमीटर से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि ज्यादा वैल्यू होगी एल की तो वी भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है, बैलेंसिंग लेंथ के। और एक कॉन्स्टेंट आएगा यहां पर के, और के क्या होगा, वी बाई एल। के का मतलब क्या है कि आपकी बैलेंसिंग लेंथ अगर स्मॉल एल है, आपकी बैलेंसिंग लेंथ अगर स्मॉल एल है
और उस स्मॉल एल में पोटेंशियल डिफरेंस अगर वी है, तो आपका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आया वी, उसको बैलेंसिंग लेंथ से डिवाइड कर दें, तो आपके पास इस रेशियो को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे प्लस वन में करते थे प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर बाय लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल बाय लेंथ। क्लियर है यहाँ तक? और जितनी ज़्यादा आप लेंथ को बढ़ाएंगे, आपका वी भी बढ़ जाएगा, लेंथ बड़ी होगी तो वी भी बड़ा हो जाएगा, तो ये रेशियो विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये नहीं चेंज होएगी। तो आपकी अगर लेंथ बढ़ेगी, उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में ही वी भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वी प्रोपोर्शनल टू एल। आप लेंथ डबल करेंगे, आपका वी भी डबल हो जाएगा। आप लेंथ थ्री टाइम करेंगे, आपका वी भी थ्री टाइम हो जाएगा। तो के विल रिमेन सेम, ठीक। पोटेंशियल ग्रेडियंट इसमें सेम रहता है, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट है। तो आपको ये लिखने को आ सकता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर? भाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर है, व्हेन कांस्टेंट करंट फ्लोस थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे वायर पोटेंशियोमीटर की मोटी पतली नहीं है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, तो करंट उसमें कांस्टेंट कैसे रखा गया? रियोस्टैट से। चलो अगर वो नहीं भी है, तो कोई भी एक वायर लेते हैं जिसकी एल लेंथ है और उसकी आर रेजिस्टेंस है, तो किसी भी लेंथ, जो भी आप लेंथ कंसिडर करेंगे वायर की, ये आपने लेंथ कंसिडर की वायर की एल, इसकी रेजिस्टेंस है आर और इसमें कांस्टेंट करंट है आई, तो इन दो टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओम नो लगाओ, क्या होगा? आई इंटू आर। और रेजिस्टेंस क्या होती है? रो एल बाई ए, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंडेंट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि वी किसके प्रोपोर्शनल है? लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो ये तो मैं पहले भी निकाल चुका हूँ अपने पोटेंशियोमीटर के टॉपिक से, इतने बड़े प्रूफ से नहीं करना, यहाँ से कर लो। तो कोई भी अगर दो पॉइंट लेते हैं, उन दो पॉइंट्स में जितनी बड़ी लेंथ होगी, उतना ही बड़ा उनका क्या आएगा? पोटेंशियल। तो वैसे भी पता है, लेंथ बड़ी होगी रेजिस्टेंस बड़ी होगी, रेजिस्टेंस बड़ी होगी तो वी भी बड़ा होगा। तो ये आपके पास टॉपिक आ जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर इसके अंदर वी और एल का ग्राफ आएगा, तो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये इसका प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका पोटेंशियोमीटर का, कि V इज इक्वल टू के इन टू एल, या पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब पोटेंशियोमीटर करता क्या है? आप कहेंगे पोटेंशियोमीटर करता क्या है? पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस निकालता है। नहीं, ये दो काम और भी करता है। तो ये है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के अंदर आपको क्या करना है कि पोटेंशियोमीटर क्या क्या करेगा, इसके तीन पॉइंट्स हैं, वो तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक। और भी कुछ काम करता है। यहां तक ऑनलाइन वालों को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ऑफलाइन क्या चीज? फिर से एक बार डाउट है किसी को अभी? दीप्शी? नो सर। ओके, ठीक है। अब साहिल, शाहिद, शाहिद नहीं है, नहीं है, बस बाकी सब प्रेजेंट है, ठीक है। देखो, तो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर तीन काम करेगा। पहला, हमने जो किया, कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर आपको ये आर गिवन होगा जिसमें आर की वैल्यू नहीं देगा, करंट गिवन होगा जिसमें करंट नहीं देगा, तो आपको इसमें क्या निकालना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। हमने निकाला अभी कि कैसे निकलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, हमने अभी किया। दूसरा काम क्या करेगा? दूसरा काम करेगा, कंपेयर करेगा ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। आप दो सेल्स लेके आओ, एक सेल की ईएमएफ ई1 है और दूसरे सेल की ईएमएफ ई2 है। तो आप क्या करेंगे? आप पहले फर्स्ट सेल लेके आएंगे, पोटेंशियोमीटर की वायर लगा देंगे, तो पोटेंशियोमीटर उस दो सेल्स के टर्मिनल्स की ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट कर देगा। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा है, तो ईएमएफ ही क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, तो ई1 निकाल देगा। फिर एक सेल को हटा देंगे ई1 को, दूसरा सेल लेके आएंगे ई2, तो दूसरा सेल लेके आएंगे, उस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो ई2।
और फिर दोनों को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, दोनों सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करके देगा, इनकी रेशियो निकाल के देगा। ठीक, दूसरी एप्लीकेशन। तीसरी, अगर आप एक सेल लेके आए, उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगी, तो आपका जो पोटेंशियोमीटर है, आप अगर उस सेल के टर्मिनल्स के साथ कनेक्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर की वायर्स, तो आपका सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू भी पोटेंशियोमीटर निकाल देगा। तो पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी निकाल देगा। तो तीन काम करेगा ये, पहला पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा, दूसरा ईएमएफ को कंपेयर करेगा, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेगा। तो करें स्टार्ट तीन एप्लीकेशंस। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन है कि कैलकुलेटिंग दी पोटेंशियल डिफरेंस। कोई नई चीज़ नहीं है, मैंने आपको ये करवा दिया। कैसे, ये रहा आपके पास एक पोटेंशियोमीटर, रियोस्टैट, ईएमएफ, रेजिस्टेंस वायर की स्मॉल आर और लेंथ ऑफ द वायर कैपिटल एल। नीचे डायग्राम है, कैपिटल आर नहीं पता, करंट नहीं पता, पोटेंशियोमीटर की वायर्स कनेक्ट की, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसको जॉकी को मूव किया, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, स्मॉल एल। बैलेंसिंग लेंथ पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ जाती है, जीरो, यहाँ रोक दिया। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस नीचे है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर है, तो ऊपर कितना होगा, जो करंट यहाँ से पास करेंगे कितना करंट होगा, ई डिवाइडेड बाई आर एच प्लस स्मॉल आर। तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दिस विल बी इक्वल टू आई करंट, इसमें जो भी करंट जाएगा आई, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ सिर्फ कितनी, स्मॉल एल। तो करंट आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। करंट आई की वैल्यू तो मैंने ऊपर निकाल ली, ई अपॉन आर एच प्लस आर, ये रही। और रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, अगर टोटल वायर की लेंथ कैपिटल एल है तो रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, वन है तो आर बाई एल है, और अगर इसकी लेंथ स्मॉल एल है तो आर बाई कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल है। इस लेंथ, इस रेजिस्टेंस को यहां पुट करेंगे, आपके पास आंसर आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। कई लोग और कई बुक्स फॉर्मूले पे काम करती हैं, स्टूडेंट भी ऐसे करते हैं, फॉर्मूला याद कर लेंगे, वैसा सोचते हैं कि मेरे को स्मॉल सब कुछ गिवन होगा, स्मॉल एल की वैल्यू मैं पुट करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। मेरे को पर्सनली ये फॉर्मूला याद नहीं है, मेरे को फॉर्मूला मैंने देखा भी नहीं और याद भी नहीं है। अगर पूछोगे लिख के दिखाओ, मैं लिख नहीं सकता इसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर बार ओम लॉ ही लगाता हूँ, मेरे को याद करने की जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला। तो मैं अभी सारे न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे आप जो अपने अभी बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा उसी कॉन्सेप्ट से सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएंगे। राइट, करेंगे भी सॉल्व, पर कोई याद करना चाहे अब याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब ये मेथड वन है। मेथड वन जो मैं यूज़ करता हूँ अपने न्यूमेरिकल में, सारे मेथड वन से यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत आसान लगता है, ओम लॉ से हो जाता है। लेकिन आपकी जो ज़्यादातर बुक्स है, आप कोई बुक ओपन करेंगे, वो मेथड वन नहीं फॉलो करती। फॉलो क्या, वो नहीं उसमें एक्सप्लेन करती, मेथड टू करती हैं। जितनी बुक्स में पोटेंशियोमीटर गिवन है वो मेथड टू से गिवन है, उसके सॉल्यूशन न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन भी मेथड टू से ही एक्सप्लेन्ड हैं। तो मैं मेथड टू को एक्सप्लेन करूंगा, आपको करना है आप करें, नहीं करना तो मेथड वन से अपना काम चलाएंगे हम सारा। ठीक, क्या है मेथड टू, क्वेश्चन सेम है, डायग्राम भी सेम है, इसलिए नया डायग्राम बनाया ही नहीं, सेम ही डायग्राम है, फिर से क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। मेथड टू क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को यूज़ करता है। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आएगी किन्हीं भी दो पॉइंट्स में, वो उसकी लेंथ पे क्या करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि वी प्रोपोर्शनल टू एल। तो मेथड टू कहता है कि आपको यहां वी निकालना है ना, तो बोलो इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, स्मॉल एल। तो मेथड टू यहीं से स्टार्ट होता है कि आपका जो वी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। तो पहला स्टेप क्लियर है सबको, कि जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल। और यहां पर क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, वी बाई एल। तो पहला स्टेप क्लियर है सबको। तो आपने जो बैलेंसिंग लेंथ है वहां से आपने क्या निकाल दी, बैलेंसिंग लेंथ से वी बाई एल निकाल दी। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर वन है। फिर वो क्या करता है, ए और बी पूरी वायर ले लेता है, ए और बी पूरी, ए बी वायर की लेंथ बोलो कितनी है, एल है। पूरी वायर की लेंथ क्या है, एल है। पूरी वायर का अगर मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पूरी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है,
तो आप कहेंगे इसका करंट आए और इनटू रेजिस्टेंस कितनी स्मॉल आर, क्योंकि इसकी पूरी वायर की रेजिस्टेंस स्मॉल आर है और करंट इसमें आपको पता ही है कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आएगी पूरी वायर की वो क्या होगी, आई इंटू स्मॉल आर। कोई डाउट इसमें? निकाल लिया यहां पर आई की वैल्यू, पोटेंशियोमीटर की वायर हमारे पास थी तो आई की वैल्यू भी पुट कर दी, तो पूरी वायर के अक्रॉस क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस, संभाल के रख लिया। फिर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये बोलता है कि जो पूरी वायर ए बी है इसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल, तो पूरी वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऐसे भी निकल सकता है के टाइम्स कैपिटल एल। एक बार उसने निकाला ओम लॉ से और एक बार कैसे निकाला, के इन टू एल से, जिसे मर्जी निकाल लो, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम। और अगर सेम है तो इस वैल्यू को इसके इक्वल कर देते हैं, इक्वल किया सॉल्व करके क्या आ गया, के आ गया। तो एक बार के हमने ऊपर निकाल लिया, एक बार के हमने नीचे निकाल लिया, दोनों के तो हमेशा सेम ही रहता है, के और के को इक्वेट कर लिया, इक्वेट करके वी आ गया, और ये वही वी है जो मेथड वन में दो लाइन में आ गया था। तो मेरे को पर्सनली मेथड वन ज्यादा पसंद है, मैं अपने न्यूमेरिकल मेथड वन से ही करूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? मेरे को लगता है मेथड वन आप भी फॉलो कर लें तो ठीक है, सही है, उसी से काम चल जाएगा। एक मेथड फॉलो कर लेंगे, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप बुक्स भी करेंगे तो बुक्स के अंदर मेथड टू अगर एक्सप्लेन करता है आपको कम से कम लैंग्वेज समझ में आएगी वो क्या बात कर रहा है। ठीक है यहां तक? ये आपकी एप्लीकेशन नंबर क्या है, वन। एप्लीकेशन नंबर वन किसकी, पोटेंशियोमीटर की। क्या करेगा इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाल लेगा। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर। ठीक, एप्लीकेशन नंबर टू, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन नंबर टू, कि ये क्या करेगा, ये किन्हीं भी दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करेगा। वो कैसे करेगा, आप एक काम करें, आप पहले फर्स्ट सेल लेके आए, पहले सेल की ईएमएफ कितनी है ई1, दूसरे को हटा दें, पहले सेल की ईएमएफ कितनी है ई1, आप इसे बैलेंस करें। आप ये बताएं मुझे, जब आप इसे बैलेंस करेंगे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या लेके आएंगे, जीरो। जैसी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आएगी, क्या ईएमएफ, ये जो बैटरी है, क्या अपने अंदर से करंट निकाल पाएगी, नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग मैंने क्या कर दी, जीरो। जब वो जीरो नहीं थी तब क्या बैटरी में से करंट बाहर निकलता था, हाँ निकलता था, तब तो निकलता ही था, लेकिन बैलेंस करने के बाद, बैलेंस करने के बाद यहां पे गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो गया, जीरो। तो बैटरी का करंट बैटरी के अंदर से बाहर निकला ही नहीं, यहां का करंट बाहर बाहर हो गया। तो जब बैटरी अपने अंदर से करंट बाहर नहीं निकाल पाती तो दो टर्मिनल्स की ईएमएफ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। लेकिन जब बैटरी में से करंट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो हमने डिस्कस किया था कि दो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं आता, ई से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इजी लैंग्वेज में, मेरे पास अगर 9 वोल्ट की बैटरी है और मैंने उसे कहीं सर्किट में ज्वाइन नहीं किया, उसमें से कोई करंट बाहर नहीं आ रहा, तो उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट ही रहेगा। लेकिन जब मैं उसमें से करंट बाहर निकालूंगा तो उस केस में टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर इस केस में तो नहीं निकल रहा, तो हमने क्या किया, पहला सेल लगाया, बैलेंसिंग लेंथ निकाली L1, और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है कि जितना E1 यहां होगा उतना E1 ऊपर डेवलप हो जाएगा, तभी तो बैलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि आप देखें ना, अगर ये सेल है, अगर इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है इस पॉइंट का, तो ये भी क्या हो गया, V1, और अगर ये टर्मिनल V2 है तो ये पॉइंट भी क्या हो गया, V2। अब चेक करें, पोटेंशियल डिफरेंस यहां का और यहां का क्या हो गया, सेम हो गया। क्लियर है? और बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ गई, L1 आ गई। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर जो बैलेंसिंग लेंथ है यहां से यहां तक L1 है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ इसमें, E1, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, के कांस्टेंट आ गया। अब वो कहता है बैटरी वन हटा लो, बैटरी वन हटा के किसको लगा लो, बैटरी टू को लगा लो। अब बैटरी टू लगाएंगे तो ईएमएफ जब बैलेंस करेंगे, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग बैटरी टू लगाने से, बैटरी टू लगाने से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी, तो ईएमएफ हो जाएगी E2, और बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, L2। तो फिर से प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर E2 प्रोपोर्शनल टू L2, तो इनको दोनों को डिवाइड कर लें, डिवाइड करके E1 बाई E2 इज L1 बाई L2, आंसर डन। ठीक।
कोई डाउट ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे ये क्वेश्चन आ जाए, मीटर बिजली को टक्कर देता है वो पी बाई क्यू आर बाई एस है या ई वन बाई ए टू एल वन बाई एल टू है? सबसे आसान क्वेश्चन यही है। ठीक, अब तीसरा तीसरी एप्लीकेशन करते हैं। देखो थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हम ये टॉपिक अपने जो पहला ए चैप्टर है उसमें ऑलरेडी कर भी चुके हैं। कैसे? आपको याद होगा कि अगर आपके पास ये कोई लेटर, सपोज ये एक बैटरी है ई, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, और चलो ये भी मान लेते हैं कि यहाँ पे बीच में क्या लगा होगा, कोई स्विच लगा देते हैं ऐसे एस। ठीक, सपोज अगर स्विच एस मैं ऐसी रखूं बंद ना करूं तो क्या ये बैटरी इसमें से करंट पास करेगी? नहीं करेगी, नहीं कर पाएगी, सर्किट कभी क्लोज ही नहीं हुआ। तो उस केस में दो टर्मिनल्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? ई आएगा। लेकिन अगर मैं इसे क्लोज कर दूं और करंट इसमें से पास होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो ई की जगह क्या हो गया? वी हो गया। किया हमने ये, और ऐसे केस में स्मॉल आर का फॉर्मूला मैंने आपको न्यूमेरिकल्स में करवाया था। क्या करवाया था? ई बाई वी माइनस वन इंटू कितना? कैपिटल आर। याद है ये फॉर्मूला? तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई बाई वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। राइट, सेम सिचुएशन यहां पर है। ये देखो आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, आपके पास नीचे कोई वही डायग्राम है, ई कैपिटल आर स्विच स्मॉल आर। केस नंबर वन, मैंने स्विच को बंद किया ही नहीं, तो इसका मतलब ये बैटरी अपना करंट बाहर नहीं निकाल, कम से कम नीचे रेजिस्टेंस में तो निकाल नहीं पाएगी। और मैंने इसको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। जब मैंने इसको बैलेंस किया और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो आई, तो बैटरी अपने अंदर से ना तो इधर करंट दे पा रही है क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो है, ना नीचे दे पा रही है क्योंकि स्विच उसमें क्लोज हुआ ही नहीं, तो बैटरी में से कोई करंट बाहर निकला ही नहीं। तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा। तो बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई। तो इन दो टर्मिनल्स में कितना है? ई। और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? एल वन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? जो स्विच एस ओपन है, ई प्रोपोर्शनल टू एल वन, क्योंकि बैटरी में से करंट बाहर निकला नहीं, तो बैटरी ने टर्मिनल्स ने पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम शो किया, जिसको ईएमएफ बोलते हैं। अब केस नंबर टू, मैंने स्विच को दबा दिया, अब करंट आना शुरू किया, इसको बैलेंस किया ताकि इसका करंट इसमें रहे, इसका करंट इसमें रहे, तो अब बैटरी के अंदर से क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है, तो बैटरी के टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस ई नहीं आएगा। अब ई से क्या आएगा? थोड़ा सा कम आएगा। तो अगर कम आएगा तो बैलेंसिंग लेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो मान लो जब आपने स्विच को ऑन किया तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई की बजाय वी हो गया और बैलेंसिंग लेंथ एल टू हो गई, तो दूसरे केस में वी प्रोपोर्शनल टू एल टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले केस में अकेला ई लगा हुआ है, नीचे स्विच को आपने क्लोज ही नहीं किया, तो ई प्रोपोर्शनल टू एल वन। दूसरे केस में जब आपने इसको क्या किया, दूसरे केस में जब आपने इसे स्विच को ऑन किया तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? एल टू। और अगर आप इन्हें डिवाइड करें तो ई बाय वी की रेशियो क्या आ गई? एल वन बाय एल टू। तो ई बाय वी की रेशियो एल वन बाय एल टू। तो यहां से स्मॉल आर का फॉर्मूला हमने क्या किया था? ई बाय वी माइनस वन इंटू कैपिटल आर। तो E बाई वी की रेशियो कितनी आ गई? L1 वन बाई एल टू। तो यहां पर पुट करेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। तो कुछ नहीं किया इसमें, दो केस बनाए, एक बार स्विच को ओपन रखा, अकेला E काम कर रहा है, स्विच को क्लोज किया तो V काम कर रहा है, तो E प्रोपोर्शनल टू L1, V प्रोपोर्शनल टू L2, डिवाइड करके E बाई वी की रेशियो आ गई, इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया, आंसर आ गया। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? सर बोलो। यस सर बोलो। सर एक बार वो प्लीज केस टू बता दो कि हमने जब वी लिया, जब आप स्विच को दबा देंगे, इसको दबा देंगे तो इसका करंट बाहर निकल रहा है ना नीचे? यस सर। तो इसका करंट बाहर निकल रहा है तो ये ई कैसे वैल्यू देगा? ई से कम देगा ना, मान लो ई 9 वोल्ट है, 9 से तो कम ही वैल्यू आएगी।
यस सर। तो वी आ गई, और वी बैलेंस्ड बाय एल टू, तो वी प्रोपोर्शनल टू एल टू। ओके सर। ठीक है, और कोई डाउट? ठीक है यहां तक? ओके, नेक्स्ट केस इज सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या चीज है? कि पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव तब माना जाता है इफ इट इज केपेबल ऑफ मेजरिंग स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर वो बहुत छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर ले, एंड इट शोज सिग्निफिकेंट चेंज इन बैलेंसिंग लेंथ फॉर अ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस बीइंग मेजर्ड। कि भाई अगर आपने छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, बहुत छोटा, तो ऐसा ना हो जो कि मूव ही ना करे, तो एटलीस्ट उसकी बैलेंसिंग लेंथ की कुछ वैल्यू तो आनी ही चाहिए, तभी आप मेजरमेंट कर पाओगे। अगर जॉकी मूव ही नहीं कर रही तो मेजरमेंट क्या करोगे, राइट? तो सेंसिटिविटी कैसे बढ़ाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉलर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस यही रूल है इसका, पोटेंशियल ग्रेडियंट के जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी उतनी बड़ी होगी। तो अगर मैं बात करता हूं के की, तो के का फॉर्मूला क्या था? वी डिवाइडेड बाई एल। जितना के छोटा होगा उतनी ही सेंसिटिविटी बड़ी होगी। तो हमारा मेन काम क्या होगा? के को छोटा करना। अब के छोटा कैसे हो सकता है? पहला पॉइंट, अगर आपका वी कांस्टेंट है, फर्स्ट केस, अगर मान लो वी कांस्टेंट है किसी पॉइंट्स के क्रॉस, और आप लेंथ को बढ़ा दें, लेंथ डिनोमिनेटर अगर बढ़ जाए कीपिंग न्यूमिनेटर कांस्टेंट, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी। और के जितना छोटा होगा सेंसिटिविटी बढ़ गई। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड कि के का मतलब वी बाय एल, अगर दूसरे केस में एल कांस्टेंट है और आप वी को कम कर दें तो भी के क्या हो जाएगा? कम। और के कम होगा सेंसिटिविटी ज्यादा। तो मैथमेटिकली हमने ऑपरेशन लगा लिया कि डिनोमिनेटर को कम रखेंगे, डिनोमिनेटर को सॉरी ज्यादा रखेंगे, न्यूमिनेटर को कम रखेंगे, तो के अपने आप ही कम हो जाएगा। यही इसमें लिखा हुआ है। तो क्या सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सकता है? कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट के को कम कैसे कर सकते हैं? नंबर वन, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। गिवन पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि जो के है वो v अपॉन l है, फॉर अ गिवन v का मतलब इफ v इज अ कांस्टेंट, अगर मेरे को k को कम करना है तो मैं लेंथ को बढ़ा दूंगा। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, फॉर अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ का मतलब सेकंड केस में वो क्या कह रहा है कि k के अंदर v बाय l, l को क्या कर देते हैं? कांस्टेंट। तो v अगर कम होगा तो k भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये मैथमेटिकल तरीका है जिससे कि सेंसिटिविटी को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। 49th नंबर शीट, 49 नंबर शीट का ना आपने एक मिनट पहले ये न्यूमेरिकल करना है, ये नहीं करना। आप इस न्यूमेरिकल को एक बार रीड करें, क्या है न्यूमेरिकल, इसको एक मिनट देखना।
पूछ क्या होता है। बैटरी को बोलते हैं अकुमुलेटर, एनर्जी अकुमुलेट करती है। अकुमुलेटर इज अ बैटरी, ठीक है। देखो याद है, क्लियर है। अब इस न्यूमेरिकल को एक बार चेक करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स में पहला न्यूमेरिकल है कि लेट अस सपोज आपके पास एक पोटेंशियोमीटर है और जिसमें 10 मीटर लॉन्ग वायर, ये किसकी बात कर रहा है, पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहा है। तो पोटेंशियोमीटर वायर 10 मीटर लंबी है, तो यहाँ पर 10 मीटर लिख लेना साइड पे, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग, हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। तो इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, 20 ओम, लिख लिया साइड पे, ये भी 20 ओम। इज यूज्ड एज पोटेंशियोमीटर वायर, तो पता है पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहा है, तो पोटेंशियोमीटर वायर की दोनों चीजें इसने आपको दे दी। नेक्स्ट है, अ वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। तो ये वायर फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, सीरीज में, किसके साथ, 5 वोल्ट की बैटरी के साथ, अलोंग विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480। तो किसकी बात कर रहे हैं, रियोस्टैट की, तो इसके साथ एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 480। तो डायग्राम बनाने की बजाय डायग्राम एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टूडेंट बनाएगा कि ये वायर है, वायर के साथ बैटरी है, बैटरी के साथ रेजिस्टेंस है, तो बन गया एक पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इफ एन अननोन ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट 600 सेंटीमीटर, तो कह रहा है एक अननोन ईएमएफ ई है, ई की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, हाँ जब मैंने इसको बैलेंस किया गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 आई, तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हो गया, ई, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी मेरे पास, 600, तो यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू 600 समझ में आता है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ई है और यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ 600 है, तो क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है और ई की वैल्यू निकालनी है। देखो मेरे को एक पॉइंट समझ में आता है, फॉर्मूला फॉर्मूला तो मुझे पता नहीं, पर यह बात समझ में आती है कि यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, ई, जितना नीचे उतना ऊपर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है, 0। ऐसे केस में बैटरी तो कोई करंट बाहर निकाल नहीं सकती, तो ये वाला करंट ऊपर का करंट ऊपर से घूम जाएगा। तो अगर मैं ई निकालना चाहता हूं तो ई विल बी इक्वल टू व्हाट, ई विल बी इक्वल टू, ई विल बी इक्वल टू जो भी यहां करंट जाएगा, जो भी यहां करंट जाएगा इनटू, ओम लॉ लगा रहा हूं, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ कितनी, 600 सेंटीमीटर। तो ओम लॉ कहां पर लगेगा, 600 सेंटीमीटर पे लगेगा। तो जो भी यहां करंट आएगा इनटू 600 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा और यहां का और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। तो ई विल बी इक्वल टू आई इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600 सेंटीमीटर। अब यहां पे करंट क्या होगा, करंट होगा टोटल ईएमएफ जो कि कितनी है, 5 वोल्ट, डिवाइडेड बाय क्या, टोटल रेजिस्टेंस। अब इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 480 प्लस 20, तो क्लियर है यहां तक, 5 डिवाइडेड बाय 480 प्लस 20 करंट आ गया। अब आपको ये करंट पता लग गया, रेजिस्टेंस निकालनी है किसकी, 600 सेंटीमीटर की। ये पूरी वायर कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 10 मीटर, 10 मीटर का मतलब 10 × 100 1000 सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस है 20 ओम, 1 सेंटीमीटर 20 बाय 1000 और 600 सेंटीमीटर इनटू 600, तो कितने ओम आ गया, 12 ओम आ गया। तो आप इस रेजिस्टेंस को यहां पर 12 पुट कर देंगे, करंट आपने निकाल लिया, रेजिस्टेंस 12 है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ई आएगा। तो ई एमएफ समझ में आ रही है कैसे निकलेगी, कोई डाउट इसमें, तो मैंने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ओम लॉ से निकाल रहा हूं, क्लियर है यहां तक। तो मेरे पास क्या आ गया, ई आ गया। अब सेकंड इसमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, देखो अगर आपको यह पता लग चुका है कि यहां पर इसके अक्रॉस ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0.12 वोल्ट आ गई, और आपको इस लेंथ की वैल्यू भी पता है 600 सेंटीमीटर, तो अगर आप वी को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ से डिवाइड कर दें तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। तो आप ऐसा करें, इसमें इसके अंदर पोटेंशियल ग्रेडियंट में किया नहीं मैंने, इसमें लिख लें यहाँ पर जो सेकेंड पार्ट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू ई, कितना है, 0.12 वोल्ट अपॉन 600 सेंटीमीटर। तो वोल्ट पर सेंटीमीटर में यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पॉइंट समझ में आया यहाँ तक,
जब ये बैलेंस होता है ना, जब ये बैलेंस होता है तो यहाँ गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है? जीरो। जब ये जीरो होगा तो इस रास्ते से करंट तो जाएगा नहीं ना, पर इस करंट को तो अपना रास्ता कंप्लीट करना ही है ना, तो उसका यही रास्ता बचा और तो कोई बचा नहीं, तो नीचे आ ही नहीं पाता, ऊपर से निकल जाता है। ठीक, जैसे इस क्वेश्चन में, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम में आपको क्या गिवन है? ए बी इज द वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। तो ये देख रहे हो, ए बी का मतलब पोटेंशियोमीटर वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 15 ओम, और लेंथ कितनी है? 1 मीटर। तो लेंथ इज 1 मीटर लिख लिया मैंने। नेक्स्ट है, इट इज कनेक्टेड टू सीरीज अरेंजमेंट ऑफ सेल E1 ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो ये फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है? एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है E1, जिसकी वैल्यू बोलो कितनी है? 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट है, कनेक्ट कर दिया। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लेनी। एंड अ रेजिस्टर आर, तो यहां पर साथ में क्या कनेक्टेड है? रेजिस्टर आर लिख लिया। आगे टर्मिनल ए इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ सेल E2 ऑफ EMF 75 मिली वोल्ट। कह रहे टर्मिनल ए इस सेल के साथ तो कनेक्टेड है, टर्मिनल ए नीचे वाले सेल के साथ भी कनेक्टेड है 75 मिली वोल्ट। तो ऊपर तो पोटेंशियोमीटर का सेल है ही है, नीचे वो सेल है जिसकी EMF को मेजर करना है, राइट? तो नीचे 75 मिली वोल्ट की EMF है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे अब वो क्या कह रहे हैं कि इस केस में इन दिस सेटअप बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। जब मैंने 75 मिली वोल्ट लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 30। तो इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 75 मिली वोल्ट, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? 30। दोनों चीजें उसने दे दी, 75 भी दे दिया, ई भी दे दिया और एल भी दे दिया। फिर निकालना क्या है? इसमें निकालना है आर की वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज दे रहा है, दूसरी चीज तो गायब करेगा ही करेगा ना, तो अब आर निकालना है। तो सेकेंड पार्ट बाद में करते हैं, जो अगला पार्ट है। तो पहले एक काम करें, आप इसे क्या करेंगे? बैलेंस। जब आप इसे बैलेंस करेंगे तो नीचे का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ऊपर डेवलप हो जाएगा, और यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज आई करंट, आई करंट इन टू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो ओम लॉ 30 सेंटीमीटर पे लगेगा। अब तो हम क्या बोलेंगे इसमें? हम इसमें बोलेंगे कि जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें कितना? 75 × 10^-3 वोल्ट इज करंट आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। अब आई की वैल्यू बोलो यहां पर क्या होगी? आई होगा E1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 15। आपको क्वेश्चन में E1 भी पता है, 15 भी पता है, आपको आर नहीं पता। तो करंट क्या आएगा? EMF 15, आर की फॉर्म में करंट निकाल लिया आपने, तो करंट आ गया इसमें। तो EMF कितनी बैलेंस कर रहा है? 75 मिली वोल्ट। तो 75 मिली वोल्ट इज इक्वल टू आई करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। तो करंट आई की वैल्यू आपको पता है, और रेजिस्टेंस 30 सेंटीमीटर की कैसे निकलेगी? अगर 1 मीटर लेंथ है तो रेजिस्टेंस कितनी है? 15 है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है? 15 है। 1 की कितनी है? 15/100 है, और 30 सेंटीमीटर की कितनी है? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 45/10। क्लियर है? तो ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो यहां से करंट आ गया, यहां से वी भी पता है, सॉल्व करके क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो पहला मेथड क्लियर है। आर कैसे? देखो, या तो बैलेंसिंग लेंथ पूछ लेगा या नीचे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लेगा। अगर दोनों दे देगा तो आर पूछ लेगा या बैटरी की वैल्यू पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा। ओम लॉ लगाना है बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर। और इसका दूसरा पार्ट है कि अगर मैं E2 को अब चेंज कर दूं, पहले E2 की वैल्यू कितनी थी? 75 मिली वोल्ट। अब वो कह रहे हैं मैं E2 को ही चेंज कर देता हूं, E2 की वैल्यू कितनी रखता हूं? 300 मिली वोल्ट। तो बोलो ऊपर बैलेंसिंग लेंथ क्या आएगी? ठीक, एक बात बताओ, पहले जब ये E2 75 मिली वोल्ट था, E2 75 मिली वोल्ट, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? 30। फिर बैटरी को मैंने चेंज कर दिया, कितना लिया मैंने? 300 मिली वोल्ट। तो बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है, तो मैंने रूल क्या बताया? E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E2 प्रोपोर्शनल टू L2, कि पहले EMF की जो वैल्यू है वो कितनी थी? 75। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी? 30। अब EMF की वैल्यू कितनी है? 300 मिली वोल्ट। बैलेंसिंग लेंथ कितनी है? L2। दोनों के रेशियो को डिवाइड करके L2 कैन बी कैलकुलेट आंसर। तो बैटरी का कंपैरिजन करने वाला काम हेल्प करेगा इसमें। ठीक।
क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद, इस क्वेश्चन को करने के बाद ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पोटेंशियोमीटर वायर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है और जिसकी लेंथ कितनी है, 5 मीटर है। ओके, तो एक पोटेंशियोमीटर वायर लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, 5 मीटर, साइड पे लिख लेता हूं। एंड इस बार एक सेल को मेजर करने की बजाय मैंने कितने सेल ले लिए, 2 सेल्स ले लिए। एंड 2 सेल्स प्लस माइनस सेम पोलैरिटी, बिल्कुल सीरीज में लगा दिए। हम एक काम करते हैं, हम 2 सेल्स में वैसे भी काम नहीं करते, हम 2 सेल्स की जगह इसकी इक्विवेलेंट बैटरी लगा लेते हैं। जब 2 सेल्स बिल्कुल सही तरीके से कनेक्टेड होते हैं, उल्टे नहीं कनेक्टेड होते, तो ईएमएफ क्या होती है, नेट E1 प्लस E2। फिर वो कहता है कि मैंने उसको ऑपोजिट पोलैरिटी पर लगा लिया, एक सेल सीधा एक सेल उल्टा, तो फिर नेट ईएमएफ क्या होगी, E1 माइनस E2। तो एक बार E1 प्लस E2, एक बार E1 माइनस E2। क्लियर है यहाँ तक? तो वो कह रहे हैं कि अगर सेम पोलैरिटी ऑपोजिट पोलैरिटी है तो बैलेंसिंग लेंथ दोनों केस में दे रहा है, पहले केस में 350 है, दूसरे केस में 50 है। तो रूल नंबर 1, जब ये सेम पोलैरिटी में है तो नेट ईएमएफ कितनी है, E1 प्लस E2। जब इसको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होगी तो यहां पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, E1 प्लस E2, जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसकी बैलेंसिंग लेंथ, और इसकी बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 350। तो केस नंबर 1 में नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 इज प्रोपोर्शनल टू इट्स बैलेंसिंग लेंथ, और दूसरे केस में पोलैरिटी उल्टी कर दी तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 50। तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स 50। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो 2 इक्वेशन बन गई, K इसमें लगा लेना, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो तो आएगा ही आएगा। अब इसके अंदर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है, एक तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर दो, चलो वो तो बना ही दिया, E1 और E2 भी निकाल लो। प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ तो मैं E1 E2 निकाल पाऊंगा, लेकिन मेरा आंसर K की फॉर्म में आएगा। K की फॉर्म में थोड़ा निकालना है, K तो निकालना पड़ेगा। K का क्या होता है, पोटेंशियल का ग्रेडियंट। मुझे सिर्फ ये बताओ इस पूरी वायर की लेंथ कितनी गिवन है, 5 मीटर गिवन है, 5 मीटर गिवन है। इस क्वेश्चन की खास बात यह है, पूरी स्टेटमेंट में उसने रियोस्टैट की बात ही नहीं की, उसने कहा बैटरी के साथ सीरीज में लगाओ रजिस्टर, उसने कहा ही नहीं। तो यहां पर रियोस्टैट प्रेजेंट ही नहीं है, ये ट्रिक है इसमें, रियोस्टैट ही नहीं है, क्योंकि आप रियोस्टैट लेंगे एक नया वेरिएबल आ जाएगा, उसने रियोस्टैट की बात ही नहीं की और उसने रियोस्टैट लिया ही नहीं। तो जब बात ही नहीं कर रहा तो नो रियोस्टैट, बात करेगा विल टेक रियोस्टैट, तो रियोस्टैट उसने लिया ही नहीं। तो ये बताओ अगर ये 5 वोल्ट है तो पूरी वायर के क्रॉस नीचे कितने वोल्ट डेवलप हो जाएंगे, 5 वोल्ट। वो क्यों, जब रियोस्टैट होता तो कुछ वोल्ट रियोस्टैट में भी डेवलप होते, कुछ इसमें कुछ इसमें, पर जब रियोस्टैट ही नहीं है तो पूरे का पूरा 5 वोल्ट किसे मिलेगा, पोटेंशियोमीटर वायर को मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो पूरी वायर के क्रॉस 5 वोल्ट और लेंथ कितनी है, 5 मीटर, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो ना, 5 वोल्ट बाय 5 मीटर, आंसर क्या आएगा, 1 वोल्ट पर मीटर। इसी को तो क्या बोलते हैं, के। तो आपको पूरी पोटेंशियोमीटर वायर में कहीं से भी बस वी मिल जाए और उसको उसकी लेंथ से डिवाइड कर दें तो ऑटोमेटिकली के आ जाएगा। तो आपने इसमें क्या करना है, के की वैल्यू आ गई 1, दोनों में के और के 1 पुट कर देना है, E1 प्लस E2, E1 माइनस E2, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, E1 E2 कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, राइट? तो क्लियर है यहां तक? तो कैसे इस क्वेश्चन, देखो हर क्वेश्चन का बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है, ये मैं पहले बता दूं, बेसिक प्रिंसिपल में कोई चेंज नहीं, वही ओम्स लॉ, वही पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। आप एक बार बैठ के इसकी थ्योरी को आप पढ़ेंगे, इन न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करेंगे, तो मैं आपको आज एक होमवर्क दूंगा जिसके अंदर आप एक शीट करके आएंगे पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स की। आप जब तक खुद नहीं लगाएंगे, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें पूरा मेरा दिमाग लगा हुआ है, बुक्स बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं करती, बुक्स करती हैं वो जो मेथड 2 से पोटेंशियल ग्रेडियंट को इन्वॉल्व करके करती हैं, मैं ओम लॉ से करता हूं। तो आप अपना मेथड फॉर्मुलेट करें, तो आप जब तक वो 5-7 क्वेश्चन ट्राई नहीं करके आएंगे तब तक कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। तो ये करने के बाद आप उसको ट्राई करें, तो अगली बार जो हमने काम करना है वो पहले, वो तभी आगे चलेगा जब आप खुद ट्राई करके आएंगे एक बार, ठीक? नहीं तो आप हाँ हाँ करते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है, समय तो आ ही रहे, ठीक? जब मैं आपको कहूँगा आप करें फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक? देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसका,
पोटेंशियल ग्रेडियंट के कांस्टेंट है, बताने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट वैसे ही हमारा कांस्टेंट ही रहता है। आगे नल पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब बैलेंसिंग पॉइंट फॉर E1 माइनस E2। देखो डायग्राम में साफ दिख रहा है कि एक बैटरी है E1 एक E2, और E1 माइनस E2 इज 120 सेंटीमीटर। E1 माइनस E2 माइनस साइन इटसेल्फ ये शो कर रहा है कि यहां पर ये बैटरी एक सीधी और एक उल्टी है, और दूसरे केस में कितना EMF लेना है, E1 प्लस E2, और E1 प्लस E2 ये शो कर रहा है कि दूसरे केस में जो पोलैरिटी है वो क्या लेनी है, सेम लेनी है और बैटरी सीधी कनेक्टेड लेनी है। तो ये ना डायग्राम इकट्ठा नहीं है, पहले ये डायग्राम है सिर्फ कि पहले दो सेल्स को लिया, E1 माइनस E2 को कनेक्ट किया, फिर नीचे का डायग्राम इसको हटा दो, फिर क्या किया, E1 प्लस E2 लिया, वो जैसे अभी किया था। तो वो कह रहा है कि जब मैंने E1 माइनस E2 लिया ना, तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ क्या आई, 120 सेंटीमीटर, और जब मैंने E1 प्लस E2 लिया तो मेरी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई, 300 सेंटीमीटर। तो क्या मैं ये रूल लगाऊं, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 इस बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 120, तो K इंटू 120, और दूसरे केस में E1 प्लस E2 इस K टाइम्स 300, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, 300 है। तो एक केस में 120 है, एक केस में 300 है, और नेट EMF मैंने निकाल ली, फर्स्ट केस में E1 माइनस E2 है, दूसरे केस में E1 प्लस E2 है। तो अगर मैं इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास E1 E2 आएगा इन टर्म्स ऑफ K। कोई बात नहीं, K के टर्म में आने दो, क्यों आने दो, क्योंकि पहले केस में सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लिया, रेशियो, वैल्यू नहीं निकालनी। अगर वैल्यू निकालनी होती E1 E2 की, फिर मैं K भी सॉल्व करता, पर उसने पूछा ही नहीं, उस रेशियो पूछ ली E1 E2 की, मैंने E1 E2 K की टर्म में निकाल लिया, इन्हें डिवाइड किया, K से K कैंसिल हो गया, मेरे को K निकालने की जरूरत क्या है, आंसर आ गया, क्लियर है। फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल E1। अगर मैं E1 कनेक्ट करता हूँ तो E1 कनेक्ट करने के बाद जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी उसको नल पॉइंट बोलते हैं, वो नल पॉइंट बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, ये क्वेश्चन है। तो E1 की वैल्यू आई कितनी, 210 के, ये क्या आ गया, ये E1 आ गया, तो E1 की वैल्यू क्या आ गई, 210 के। आपने अभी फॉर्मूला किया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस इज के टाइम्स बैलेंसिंग लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू के इन टू एल। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस E1 के टाइम्स, ऑटोमेटिकली ये टर्म क्या कहलाएगी, इसकी बैलेंसिंग लेंथ, तो 210 सेंटीमीटर इज दी बैलेंसिंग लेंथ। तो जो भी के आगे नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग लेंथ ही बोलते हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, समझ में आ रहा है यहां तक? तो आपने अब क्या करना है, इसमें सब्जेक्टिव शीट है, बोलो, सब्जेक्ट, हाँ ये सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 आपने ट्राई की थी, हाँ तो इसमें डाउट है, बोलो, एक मिनट, फर्स्ट क्लियर है, चेक करो, एक एक करके कर लेते हैं, फर्स्ट क्लियर है, चेक करो, किरचॉफ लगाया था, सेकंड भी ठीक है, किया था डिस्कस, थर्ड भी ठीक है, ये तीनों ठीक, नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज हमने डिस्कस किया था, ये हमने डिस्कस किया, क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला, 11th, हाँ 11th के अंदर ना, अब मुझे पता नहीं है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करनी चाहूँगा, जो प्लीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देख लेना। ये इसमें बैटरी नंबर 1 और 2, 1 और 2, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये बैटरी उल्टी कनेक्टेड है, ईजी बनाने के लिए दो बैटरी की जगह एक बैटरी लगा ले सीरीज में, और आसान हो जाएगा क्वेश्चन, दो की जगह एक लगा लें, ऐसी यहां पर भी दो की जगह एक लगा लें चलेगा, नहीं लगाना चाहते मत लगाएं, ऐसे कर लें जैसे मैं कर रहा हूं। ये ना करंट डिस्ट्रीब्यूशन इसने बुक्स ने, जिस बुक से मैंने लिया उसने डिस्ट्रीब्यूशन करके दी, कैसे, वो कहती है मान लो इस ब्रांच में I1 करंट है, I1 में से ये डिवाइड हो गया करंट, इसमें I2 इसमें I3, मुझे ज्यादा पसंद नहीं, इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, मैं इसको ऐसा करना पसंद करूंगा कि मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी है, चलो यहां से शुरू कर लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसने कितना करंट दिया I,
आई, आप भूल जाओ यार ये आई वन और ये आई वन और आई टू और आई थ्री सब छोड़ दो इसे, राइट। अब देखो ये आई करंट आया, ये आई करंट आया, यहां तक आई करंट आया, क्लियर है। इस आई में से कुछ करंट इसमें चला गया, कितना आई डैश। तो इस ब्रांच में कितना करंट आ रहा है, आई डैश। तो बोलो इस ब्रांच में कितना गया, आई माइनस आई डैश। मेरे को लगता है सफिशियंट है, दो वेरिएबल बने मेरे सिर्फ, एक आई और एक आई डैश। एक लूप में ये लूंगा, एक ये लूंगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो क्यों मैं इस आई वन आई टू, देखो जितने वेरिएबल ज्यादा लेंगे उतना ही आपका नुकसान है, आप कर ही नहीं पाएंगे सॉल्व को, ऐसे अंदर से टाइम खराब करेंगे। बेस्ट है जब आई है तो आई डैश कर लो और बचा हुआ करंट आई माइनस आई डैश दूसरे में भेज दो, आपका एक वेरिएबल बच जाता है। इंस्टेड की आई वन आई टू आई थ्री में गया, थोड़ा लंबा काम है, तो मेरे को लगता है ऐसा करना चाहिए। अगर आप इस बैटरी के झगड़े में पड़ गए ना कि मैंने, देखो मैंने ध्यान से देखो, पॉजिटिव से करंट निकाला, फिर इस बैटरी, इसकी ईएमएफ कितनी थी, 3 वोल्ट थी, तो मैं तो बड़ी बैटरी के हिसाब से करंट निकालूंगा ना, दूसरों को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं सबकी कैसे सुन सकता हूँ। बस मैंने देखा कि सबसे बड़ी बैटरी कौन सी है, 3 वोल्ट, मैंने 3 वोल्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी, फिर जो जिसकी चार्जिंग है चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग है डिस्चार्जिंग होगी। मैं अगर ये करूंगा उसमें से भी पॉजिटिव, उसमें से भी पॉजिटिव, तीनों के पॉजिटिव करंट निकालूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सही बैठेगी नहीं कभी भी, राइट। तो आप सबसे बड़ी बैटरी के हिसाब से शुरू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था, 12, 13, बस इतना ही था, ठीक है। तो क्लियर है यहां तक? अब इस असाइनमेंट के बाद 15th के बाद 16th, हाँ, आपका जो होमवर्क है ना वो शीट नंबर 16 है, बढ़िया शीट है, आप इसे प्रैक्टिस करें। तो इसके अंदर ये पोटेंशियोमीटर और किरचॉफ लॉ की शीट है, पोटेंशियोमीटर की प्रॉब्लम है पहली, दूसरी भी पोटेंशियोमीटर है, तीसरा मीटर ब्रिज है, चौथा पोटेंशियोमीटर है, नेक्स्ट अगेन पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर है, और पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियोमीटर है। तो जो न्यूमेरिकल आज हमने किए, जब तक आप नहीं लगाएंगे आपको आएगा ही नहीं, जब तक, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको लगेगा हाँ यार सही है, आसान है। आप पोटेंशियोमीटर का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम से पहले लोग ध्यान से इसको फिर से पढ़ के जाते हैं, ये लगता है आ गया, लेकिन जब इसके न्यूमेरिकल आते हैं, इसके न्यूमेरिकल की लेंथ बड़ी होती है, ये साइकोलॉजिकल भी है, 2 लाइन का न्यूमेरिकल, 3 लाइन का, 5 लाइन का, 6 लाइन का, 7 लाइन का, ये 6-6, 7-7 लाइन के होते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम मिसिंग होता है, इस वजह से ये मुश्किल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पहले डायग्राम बनाओ, फिर अगर डायग्राम गलत बना तो आंसर तो आने से रहा, तो डायग्राम बनाने की तो प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी न्यूमेरिकल्स करके। तो बेस्ट है आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई करके आओगे, ये शीट तभी होगी जब आप लोग, चाहे कोई न्यूमेरिकल ना निकले पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि किसमें क्या गिवन है, राइट। तो ये ट्राई करके आनी है, ठीक है। मैं टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन है टेस्ट में, क्योंकि